है, वैसे वैसे जनता को अलग अलग तरीकों की सौगात दी जा रही है। हर महीने यूपी सरकार किसी ना किसी वर्ग के लिए अच्छी खबर लेकर आती है और इस बार भी योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। इस पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। उत्तर प्रदेश के 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जुलाई से 11% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर देने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। लगभग 16 लाख राज्य कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को इसका फायदा मिलेगा। जुलाई के बड़े डीए का एरियर कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगा। अगस्त के बड़े डीए का भुगतान सितंबर के वेतन के साथ होगा। कर्मचारियों और पेंशनरों को योगी की सौगात, 28 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा भत्ता। 11% की बड़ी दर से महंगाई भत्ता। कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। 16 लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। 12 लाख पेंशनरों को भी लाभ मिलेगा। जीपीएफ खाते में जाएगा बढ़ा हुआ भत्ता। राज्य कर्मचारी 1.5 साल से ज्यादा समय से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17% की दर से डीए का भुगतान हो रहा है, इसलिए योगी सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया। अब 11% वृद्धि के बाद कर्मचारियों का डीए 28% हो जाएगा। पिछले दिनों मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान किए जाने का ऐलान किया था। रोजगार की बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे थे, मुझे आश्चर्य होता है कि रोजगार सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में नौजवानों जिनके लिए हमने देश और दुनिया का परसेप्शन अच्छा किया है, तो जाएगा यूपी का नौजवान कहीं जाएगा, अब कहीं मुंह छुपाने की नौबत नहीं आएगी, जाएगा गर्व से कहेगा उत्तर प्रदेश से, ये बात कह सकता है उत्तर प्रदेश का नौजवान। समाजवादी पार्टी के समय ये नहीं होता था, वो छुपाता था अपने नाम को, कहता था यूपी नहीं बताता था, वो दिल्ली बता देता था, कहीं और जगह बताता था। नेता प्रतिपक्ष अच्छी तरह जानते हैं इन सब चीजों को, उनको मालूम है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं भी जाएगा, दुनिया उनके लिए पांव पलकें छा करके बैठा हुआ है, आएगा उसको हम रोजगार और नौकरी देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार हम दे रहे हैं, और इसीलिए इस अनुपूरक बजट को अपने प्रदेश के उन कोरोना वॉरियर्स के साथ साथ अपने प्रदेश के युवाओं को हम समर्पित कर रहे हैं, जिनके लिए कि नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है, समूचा जग युवा पीढ़ी तुम्हारे हाथ में है, प्रबल फौलाद सच मानो तुम्हारे गात में है, नए युग का सृजन युवकों तुम्हारे हाथ में है। कोरोना महामारी से पैदा हुए आर्थिक संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बड़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। इस वजह से राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 को दिए जाने वाले डीए और महंगाई राहत के अतिरिक्त किश्तों का भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन अब सीएम योगी सभी कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आए हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अगर देश के अंदर हम कहते थे, कोई आता था देश के सामने, दुनिया के सामने, हमें जब प्रदेश के प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता था, एक बात आती थी, उत्तर प्रदेश आबादी का देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हम कहां हैं? क्योंकि आज जिस युग में हम जी रहे हैं, अर्थव्यवस्था प्रधान
व्यवस्था है। कहां हैं हम लोग? 15-16 में देश की छठी अर्थव्यवस्था थी, आबादी में नंबर 1, दंगों में नंबर 1 पर होता था। जातीय दंगे होते थे, सांप्रदायिक दंगे होते थे, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर था, विकास में सबसे पीछे था, गरीब कल्याण की कोई बात ही नहीं करता था, अर्थव्यवस्था में 6 नंबर पर थे। और मात्र इन 4.5 वर्षों के दौरान जो परिश्रम हुआ है, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनी है। पिछले महीने केंद्र सरकार ने बड़ी दर से DADR के भुगतान पर लगी रोक हटाने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से 28% की दर से DA के भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। इसी आधार पर राज्य कर्मचारी भी 1 जुलाई से 28% की दर से DA पाने का इंतजार कर रहे हैं। अब वित्त विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। योगी सरकार सही मायने में सबका साथ सबका विकास कर रही है। और सीधे आपको उत्तराखंड ले चलेंगे, जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो हैं, जो उत्तराखंड वासी सकुशल पहुंचे अफगान से वापस,